अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। तो आज केमिस्ट्री का फर्स्ट ईयर का पेपर हो गया और ये पीछे आप देख सकते हैं वजीर आजम हाउस है। ये दिखाओ जरा इनको सामने। तो आज के पेपर से आपको जो है वो वजीर आजम भी नहीं बचा सका। केमिस्ट्री का इधर मेरी तरफ पूरा कैमरा। आज का जो केमिस्ट्री का पेपर था वो ऐसा था कि आपको आज के पेपर से वजीर आजम भी नहीं बचा सकेगा। इट वॉज़ अ टफ पेपर, मुश्किल पेपर था, लेकिन बुरा पेपर इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि FSC का केमिस्ट्री का पेपर। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, केमिस्ट्री के पेपर में मुश्किल चीज़ें ही पूछी जाएंगी आपसे, कॉन्सेप्चुअल पेपर होगा। तो मैं एनालिसिस के साथ साथ आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको ये पहला पेपर था तो आपको इससे ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि आपके नेक्स्ट पेपर किस तरीके के होंगे, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। आप लोग का FSC का पहला साल है, पहला पहला तजर्बा है, पहला पहला प्यार है। तो पहले पहले प्यार में ऐसे होता रहता है। तो जिनका पेपर बहुत अच्छा हुआ है, वेल डन, उनके लिए शाबाश। और जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ तो उनको परेशान होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हार्ड लक्स हो जाती हैं। तो अब आप अगले पेपर की अच्छे तरीके से तैयारी करें। आपने लेसन भी लर्न कर लिया है, आपको फेडरल कोर्ट की डायनामिक्स का पता चल गया होगा कि पेपर किस तरीके का आता है। MCQs थोड़े टफ थे, थोड़े ट्रिकी थे। इवन हमारी टीम के जिस मेंबर ने पेपर को सॉल्व किया है, आपने देखा होगा हम कीज अपलोड करते हैं, तो हमारे उस फैकल्टी मेंबर को भी आधा घंटा लगा उस पेपर को सॉल्व करने में, प्रॉपर तरीके से उसमें उसका सोल्यूशन बनाने में। तो थोड़ा ट्रिकी पेपर था, लेकिन ओवरऑल इट वॉज लाइक दोज पेपर जिस तरीके के पहले फेडरल बोर्ड के केमिस्ट्री के पेपर आया करते होते थे। तो ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स। नेक्स्ट आपका उर्दू का पेपर है, कंपैरेटिवली पेपर ईजी है, लेकिन उर्दू के अंदर भी ट्रिक ये होती है कि उसमें MCQs बहुत ट्रिकी होते हैं, उसमें बच्चों को तशरीह करना नहीं आती होती। तो इंग्लिश की अकेडमी का जो क्रैश कोर्स है वो पेपर से एक दिन पहले यानी 2nd of May को ऑफर हो रहा है। आप उसके लिए अपने आप को लाजमी रजिस्टर करवाएं, क्योंकि उसमें हम आपको तशरीह करने का, MCQs को करने का, पेपर को, पेपर की प्रेजेंटेशन, बाकी जितने भी पेपर के एस्पेक्ट्स होते हैं उसके ऊपर बहुत प्रोफेशनल तरीके से आपको गाइड करते हैं। आपकी मेहनत कम लगती है और आपके नंबर्स जो हैं वो ज़्यादा आते हैं। तो अकेडमी का ऑफिशियल नंबर आपको पता होगा, वरना आपको डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगा, पहले कमेंट से भी मिल जाएगा। उठाएं नंबर, रब्ता करें। और ये ज़रा सामने इनको पहाड़ भी दिखा दूँ। ये देखें जी, बहुत मज़े का वेदर है, हम लोग काज़ी आज़म यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। तो पेपर की आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी करें और ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। अल्लाह हाफिज़।